सब्सक्राइब करें अभिहास किचन को और बेल आइकन पे क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आपसे सूजी की दो तरह की रेसिपी शेयर करूंगी। ये 6 माह से 1 साल तक के बच्चों के लिए है। ये वीडियो उन माओं के लिए बहुत मुफीद है जिनके बच्चे 6 माह के हो चुके हैं। मेरी बेटी भी 6 माह की हो चुकी है, तो मैंने सोचा जो खाने मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ वो खाने में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज मैं 2 तरीकों से सूजी बनाऊँगी। एक मैं बना रही हूँ सूजी का मीठा और एक मैं बनाऊँगी सूजी का नमकीन। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1/2 कप सूजी ली है। सूजी को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। आप चाहें तो सूजी को इकट्ठा ही ड्राई रोस्ट कर लें। मैं यहाँ सिर्फ 1/2 कप कर रही हूँ। सूजी को मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सूजी को ड्राई रोस्ट कर लिया है, अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सूजी का हलवा बनाने के लिए 1 सॉस पैन में 1 खाने का चम्मच ड्राई रोस्ट सूजी डालेंगे। अब इसमें 1/2 कप पानी डालकर मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे, यहाँ तक कि सूजी गल जाए। सूजी को 15 मिनट कुक किया है, सूजी गल गई है। अब इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। देखिए यहाँ ये इतनी पतली होनी चाहिए। अब इसमें 1 खाने का चम्मच फॉर्मूला मिल्क डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें फॉर्मूला मिल्क नहीं डालना चाहते तो आप इसमें काऊ मिल्क डाल दें। अगर आप काऊ मिल्क डालेंगे तो साथ ही इसमें चीनी भी ऐड कर दें। सूजी का हलवा तैयार हो गया है। अब यहाँ सूजी का नमकीन बनाना बताएंगे। यहाँ ड्राई रोस्ट सूजी लेंगे 1.5 खाने का चम्मच, 1/2 चाय का चम्मच लेंगे देसी घी, 1 चुटकी लेंगे हल्दी, छोटे साइज़ का टमाटर लेंगे 1/2 जिसके छिलके उतार लेंगे, और नमक लेंगे 1 चुटकी, और पानी लेंगे 1/2 कप के करीब। सबसे पहले घी को गर्म करेंगे। अब इसमें सूजी डालकर हल्का सा भून लेंगे। इसमें 1 पिंच डालेंगे हल्दी, साथ ही इसमें नमक डाल देंगे, टमाटर, और पानी डालकर सूजी गल जाने तक पका लेंगे। जब सूजी गल जाए तो सूजी को अच्छी तरह से भून कर टमाटर को मैश कर लेंगे। यहाँ सूजी का नमकीन तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।